नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम में। इंटरनेशनल क्रिकेट में यूं तो विराट कोहली का नाम रोहित शर्मा से पहले लिया जाता है, लेकिन बात अगर सिर्फ वर्ल्ड कप की हो तो हिटमैन के आंकड़ों के आगे किंग कोहली भी कहीं भी नहीं ठहरते। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विराट पर भारी है रोहित के आंकड़े, वर्ल्ड कप में हर तरह से भारी है आंकड़े। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं रोहित शर्मा। रोहित ने वर्ल्ड कप इतिहास में बनाए सबसे ज्यादा शतक। रोहित शर्मा खेल रहे हैं अपना तीसरा वर्ल्ड कप। विराट कोहली खेल रहे अपना चौथा वर्ल्ड कप। रन, शतक और चौके छक्के से लेकर एवरेज तक वर्ल्ड कप में हर तरह से भारी हैं आंकड़े। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में रन और शतक जड़ने से लेकर चौके छक्के जमाने तक हर तरह से विराट पर भारी है। यहां खास बात यह भी है कि विराट की तुलना में एक वर्ल्ड कप कम खेलने के बावजूद रोहित शर्मा उनसे बल्लेबाजी के हर विभाग में आगे हैं। विराट कोहली अपना चौथा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप डेब्यू किया था और इधर रोहित शर्मा का यह तीसरा वर्ल्ड कप ही है। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने 2015 में पहला वर्ल्ड कप मैच खेला था। विराट ने अब तक वर्ल्ड कप में 29 मुकाबले खेले हैं, वहीं रोहित अब तक महज 20 वर्ल्ड कप मुकाबले में ही नजर आए हैं। रोहित बनाम विराट वर्ल्ड कप आंकड़े। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में 1195 रन बना चुके हैं, जबकि विराट कोहली के खाते में 1186 रन हैं। वर्ल्ड कप 2023 के भारत पाकिस्तान मैच में रोहित ने रनों के मामले में विराट को पछाड़ा है। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में 66.38 की बल्लेबाजी औसत से रन बनाते हैं, वहीं विराट का वर्ल्ड कप में बैटिंग एवरेज 49.41 है। वहीं अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 101.96 है। वे ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उधर विराट का वर्ल्ड कप स्ट्राइक रेट 86.6 है। साथ ही साथ रोहित शर्मा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं। अब तक 7 शतक जमा चुके हैं। विराट कोहली के नाम अब तक महज 2 वर्ल्ड कप शतक ही हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के नाम 122 चौके हैं, जबकि विराट के खाते में महज 106 चौके जमा हैं। वहीं रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में कुल 34 छक्के जड़ चुके हैं और इस मामले में विराट बहुत ज्यादा पीछे हैं। विराट के नाम महज 5 छक्के दर्ज हैं। शिकागो चाचा के नाम से मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैन बशीर चाचा को भारत पाक मैच के दौरान ही सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी घबराहट इतनी बड़ी कि फौरन एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के जबरा फैन शिकागो चाचा, भारत पाकिस्तान मैच में लूटी महफिल, अचानक खराब हुई तबीयत, जाना पड़ा अस्पताल। जहां जहां पाकिस्तान ने खेले हैं वर्ल्ड कप के मैच, वहां वहां शिकागो चाचा ने देखे हैं मैच। 68 वर्षीय बशीर चाचा भारत पाक मैच देखने के लिए पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद में ही डेरा डाले हुए थे। शनिवार को वे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी ड्रेस के जरिए सुर्खियां बटोरी। उनकी ड्रेस पर एक तरफ पाकिस्तान का हरा रंग था तो दूसरी ओर भारत के 3 रंग बने हुए थे। अपनी इस ड्रेस पर उन्होंने दिलचस्प लाइंस भी लिख रखी थी। आपको बता दें, उनकी ड्रेस पर लिखा हुआ था, जिस देश में गंगा बहती है उस देश की मेरी बीवी है। मोहम्मद बशीर पाकिस्तान में जन्मे और शिकागो में बसे एक अमेरिकी नागरिक हैं। वो पिछले 2 दशकों से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहते हैं। साल 2007 से अब तक वो दुनिया के हर उस स्टेडियम में गए हैं जहां पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप मुकाबले खेले। वो खुद को गरीब नवाज शिकागो कहते हैं। उनके कपड़ों पर भी यही नाम प्रिंट होता है। यही कारण भी है कि उन्हें शिकागो चाचा के नाम से पुकारा जाता है। भारत पाक मैच के दौरान दोपहर में पड़ी भयानक गर्मी के कारण स्टेडियम में मौजूद कई लोगों की तबीयत खराब हुई। 1.25 लाख से ज्यादा दर्शकों से भरे हुए इस स्टेडियम में करीब 500 लोगों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी। इनमें करीब 10 लोग ऐसे भी रहे जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तो हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।